प्रदेश में लगातार तेजी से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही है, जिसके कारण गरीब व मध्यम परिवार के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज शहर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 105 रुपए 11 पैसे और डीजल 96 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर बिका। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमत कम करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत कांठेड़ व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि मोदी सरकार की आर्थिक असफलताओं के चलते देश में निरंतर पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। गरीब व मध्यम परिवार के लोग इस महंगाई से परेशान हो रहे हैं। विरोध में कांग्रेस जनों द्वारा पेट्रोल पंप पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत कांठेड़ व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना का कहना है कि हमारी सरकार से यही मांग है कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाई जाए। निमिष में आज पेट्रोल की रेट है 105.11 पैसे प्रति लीटर और डीजल की रेट है 96.33 पैसे प्रति लीटर, है ना। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब ये पेट्रोल और डीजल की रेट थी 60 रुपए से 65 रुपए पर लीटर के बीच में। नरेंद्र मोदी जी ने जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब जब चुनाव प्रचार हुआ तो उन्होंने रोज कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग जो है महंगा पेट्रोल डीजल बेचते हैं और कम नहीं करते हैं, और हमारी सरकार आई तो हम पेट्रोल और डीजल की रेट कम करेंगे। उसके बाद उनका जो चुनाव प्रचार का जो ब्रांड एम्बेसडर रहा बाबा रामदेव, जिसने लंबे समय तक चुनाव प्रचार किया इनका, उसने बाबा रामदेव ने इंडिया टीवी के एक इंटरव्यू में दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको 30 रुपए 35 रुपए लीटर का डीजल पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो लोगों ने कहा हाँ चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे और भाजपा की सरकार बनी तो हम देश में पेट्रोल और डीजल 30 रुपए 35 रुपए लीटर बेचेंगे। ऐसा प्रचार करके इन्होंने सरकार बनी, जनता को धोखा दिया, जनता को गुमराह किया, वोट ले लिया और सरकार बन गई। आज 7 साल हो गए। 7 साल में जो 60 रुपए और 65 रुपए वाला जो पेट्रोल डीजल था, एक भी दिन 1 रुपया कम नहीं हुआ, बल्कि लगातार बढ़ता चला आ रहा है। और आज 105 रुपए हो गया, 96 रुपए डीजल हो गया, 70-80% जो है वृद्धि हो गई। इसका एकमात्र कारण यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आर्थिक मामले में पूरी तरह असफल रही है। सरकार चलाते ही नहीं आ रही है ना। काला धन की बात करी, कुछ भी नहीं हुआ। नोटबंदी की बात करी, कुछ भी नहीं हुआ। सारे आर्थिक मामले असफल हो गए। वे केवल समाज में घृणा और नफरत फैला करके चुनाव जीत जाते हैं। जब चुनाव आते आते हैं तब तक ऐसे मुद्दे पकड़ लेते हैं जिससे समाज में विभाजन हो जाए, समाज में मतभेद बढ़ जाए और नफरत और घृणा फैला करके चुनाव जीत लें। इसके आधार पर वे चुनाव जीतते रहते हैं और आज जनता की हालत खराब करके रख दी कि 105 और 196 रुपये। और इसका सबसे बड़ा असर आ रहा है कि इस महंगाई का असर जो है बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आ रहा है। खाने की चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं, मकान निर्माण की चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल सबसे महत्वपूर्ण है। भाड़ा, परिवहन, सारा का सारा इस पर निर्भर करता है और उसकी वजह से कीमतें आसमान पर चली गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की इन आर्थिक नीतियों के विरुद्ध में जनता के बीच में कांग्रेस जाए और जनता को ये बात बताए। तो आज हमने जनता की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे जिले में जितने पेट्रोल पंप है, हर पेट्रोल पंप पर हमारे 10-20 कार्यकर्ताओं ने जाकर के इस पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की कीमतों में जो वृद्धि है उसके विरुद्ध धरना दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है और हमने कहा कि ये कीमतें वापस ली जाए और आने वाले चुनाव तक जो है हम घर घर ये बात पहुँचाएंगे कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार की असफलता है और इस असफलता का दंड जो है जनता को चुकाना पड़ रहा है और ऐसी सरकार की हमको ज़रूरत नहीं है।